बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर इन बिल्डिंग। तो फ्रेंड, अक्सर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा, या फिर अगर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं तो बुक्स वगैरह में आपने ये चीज़ अक्सर इसको स्टडी किया होगा कि सब स्ट्रक्चर है सुपर स्ट्रक्चर इन बिल्डिंग। ये बिल्डिंग में सब स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा पार्ट होता है बिल्डिंग का, और सुपर स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा पार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेशर्स के लिए भी, और वो फ्रेंड्स जो जिन्होंने अभी अभी फील्ड को ज्वाइन नहीं किया, स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंटरव्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी नहीं पता कि सब स्ट्रक्चर किसे कहते हैं और सुपर स्ट्रक्चर कौन सा पार्ट होता है बिल्डिंग का, तो आज इंशाल्लाह आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आज इस कंसेप्ट को इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना इस चीज़ को समझ जाएंगे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये इमारत का या किसी भी बिल्डिंग का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिविल इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकेंगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक फुटिंग ड्रा की हुई है, सात कॉलम को शो किया हुआ है, और साथ ही यहाँ पर मैंने ब्रिक मशीनरी को शो किया हुआ है। ये मैंने एक लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये है क्या चीज़। तो ये इसको हम यहाँ से कमांड दे के सिलेक्ट करके कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं DT, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास है क्या चीज़। तो ये हमारे पास है फ्रेंड्स प्लिंथ बीम। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा हम सिलेक्ट करके यहाँ पे मूव कर लेते हैं मिड में, यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो ये पोर्शन है, ये हमारे पास है प्लिंथ बीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये जो हमारे पास यहाँ तक जो हमारे पास पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे हमारा ग्राउंड लेवल एंड हो जाता है। ठीक है, ये प्लिंथ बीम का जो बॉटम है ना, यहाँ से नीचे हमारे पास ग्राउंड है। ये हमने एक्सवेशन की हुई है, सारी एक्सवेशन करके हमने नीचे से जो फुटिंग वगैरह उठाते हैं, ये हमारे पास PCC है, 3-3 इंच हमने इसको बाहर निकाला हुआ है फुटिंग से, ये दोनों साइडों से। ये भी पॉइंट आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है, कि PCC जो होती है वो हमारी फुटिंग की 3-3 इंच मोस्टली बाहर निकाली होती है, बाकी डिज़ाइनर ये देता है ड्राइंग में, तो उस हिसाब से आपने निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन पोस्ट भी आपसे कोई लेता है कि हम PCC जो फुटिंग में करते हैं, हमने RCC से RCC कंक्रीट से कितना उसको बाहर निकालना होता है, तो मिनिमम 3 इंच कम से कम इसको निकालना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पोर्शन है प्लिंथ बीम से नीचे जितना भी हमारा पोर्शन है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा सब स्ट्रक्चर। किसी भी बिल्डिंग का जो हिस्सा, जो पार्ट, जो प्लिंथ बीम से नीचे, आप आसानी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि कोई भी बिल्डिंग जब हम उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो बिल्डिंग का जो भी हिस्सा हमारा ज़मीन के अंदर रह जाता है, जो हमें नज़र नहीं आता, वो सारा सब स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आपका उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर कोई इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा जो भी हिस्सा बिल्डिंग का, जो भी पार्ट हमारा ज़मीन के अंदर रह जाता है, जो हमें नज़र नहीं आता बाद में, वो सारा सब स्ट्रक्चर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लिंथ बीम से बॉटम में जितना भी हमारा पोर्शन है ना, ये सारा सब स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से ऊपर जो भी हम इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की करेंगे, जो हमें नज़र आती है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ से ऊपर, इसके नीचे सब स्ट्रक्चर में जो ये हमारे कॉलम जो हमारे नीचे रह जाते हैं ना, ये भी सब स्ट्रक्चर का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से ऊपर जो हम कॉलम यहाँ प्लिंथ बीम से, ठीक है, जो हमें नज़र आएंगे, जो हमारे ग्राउंड से अबव चली जाती है बिल्डिंग का जो भी पार्ट, वो उसे हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारे ये कॉलम्स होगी, यहाँ पे वॉल्स, हम ऊपर हम विंडोज़ के ऊपर लिंटल डालेंगे, लिंटल बीम,
उसको उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि लेंटल बीम का साइज़ कितना रखना चाहिए, वो होता क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर हमारी स्लैब होगी, मतलब कि जो भी हमारा पार्ट जो हमारी ग्राउंड लेवल से बाहर चला जाता है उसको हम सुपरस्ट्रक्चर का नाम देते हैं, और जो पार्ट हमारी बिल्डिंग का ज़मीन के अंदर रह जाता है जो हमें नज़र नहीं आता उसको सबस्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये छोटा सा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।